वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। टाइम मेंटेन्स पर यह बहुत ही छोटा सा लेक्चर प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से आप समझ जाएंगे कि टाइम एंड टेंस है क्या, क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए, पहले हम टाइम एंड टेंस पढ़ते क्यों हैं? हम तो टेंस पढ़ते हैं, आपको पता है कि टेंस के तीन प्रकार और तीनों टेंसेस के चार चार प्रकार, सबका स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, सबका एग्जाम्पल्स होते हैं, कहाँ पे क्या यूज करना होता है, किसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, हम पढ़ते हैं इस पे। लेकिन फिर टाइम एंड टेंस क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो टेंस पढ़ते हैं, टेंस से किस टाइम का बोध हो रहा है उसका समझ हमें आ जाए, इसलिए हम टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आप देखिए। आप एक मांगते हैं परमिशन, जब क्लासरूम में रहते हैं आप कहते हैं मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क रहेगा, परमिशन मांगते हैं, क्या मैं आ सकता हूं। आप इसे अधिक पोलाइट बनाने के लिए आप इसे कहेंगे माइट आई कम इन। हिंदी भी वही है, क्या मैं आ सकता हूं। तो आप क्या समझा यहां पे आपने, यह मे जो यूज किया हमने किस टेंस में यूज किया, प्रेजेंट टेंस में। और आप जानते हैं कि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, तो जब पास्ट फॉर्म का वर्ब कहीं प्रयोग किया गया है या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है कि यह टेंस पास्ट टेंस में है और यह टेंस प्रेजेंट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट टेंस में है और यह पास्ट टेंस में है, लेकिन मे आई कम इन से भी आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं आ सकता हूं, और माइट आई कम इन से पूछ रहे हैं क्या मैं आ सकता हूं, लेकिन यूज किया माइट कम इन। इसका मतलब है कि पास्ट टेंस से भी प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, और यहां प्रेजेंट टेंस से भी प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है। तो मैं उस सेंटेंस की सहायता से प्रयोग समझाया आपको जो आप सबसे अधिक यूज करते हैं। दूसरा देखिए, टुमोरो इज मंडे, यहाँ पे लिखा टुमोरो इज मंडे, कल मंडे है, आज कल नहीं है, कल तो आएगा, टुमोरो मतलब आने वाला, कल कल आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, टुमोरो इज मंडे। तो बात हम तो प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, इज प्रेजेंट टेंस का है, बट बोध किसका हो रहा है, फ्यूचर का हो रहा है, किस टाइम का, फ्यूचर टाइम का। तो हम टाइम एंड टेंस इसलिए पढ़ते हैं कि टेंस तो ठीक है, लेकिन जो टेंस है उससे किस टाइम का बोध हो रहा है, इसका हमें समझ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने से पहले आ जाना चाहिए, तब ही देना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब इंग्लिश की समझ हमें आ गई है, हमें पता है कि टाइम और टेंस अंतर होता है, टाइम ग्रामेटिकल नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता कि टाइम को हम किस रूल से डिफाइन करें कि वो प्रेजेंट टाइम में रहेगा कि पास्ट टाइम में रहेगा, फ्यूचर टाइम में रहेगा, क्योंकि टाइम होता है तीन, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, जिस तरह से टेंस होता है तीन, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस तरह से टाइम ग्रामेटिकल होता ही नहीं है, इसलिए कोई रूल नहीं है, लेकिन हमें समझ पैदा हो जानी चाहिए, इसलिए टाइम मेंटेन्स करके पूछता है। पूछता तो टेंस ही है, लेकिन टाइम मेंटेन्स करके पूछता है कि हम कंफ्यूज हो जाए, लेकिन टाइम क्या है समझना तो जरूरी है। समझाया आपको, देखिए, इट इज गोइंग टू रेन, बरसात होने जा रही है, बरसात होने जा रही है, हम किसी से बोल रहे हैं, बरसात तो हो ही नहीं रही है ना अभी जब बोल रहे हैं तब, तो हम सेंटेंस बोल रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पे बोध हो रहा है फ्यूचर टाइम का। देखिए, कुड यू हेल्प मी प्लीज, जैसे यहाँ पे आपने समझा था मे का, ऐसे ही कैन आई, इसको लिखे कैन यू हेल्प मी, सामने कोई है उससे आप बोल रहे हैं क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, कोई सामने है उसी वक्त है। अब आप जानते हैं कि कैन का अगर पास्ट फॉर्म कर दें कुड और ऐसे ही लिखे, तो मतलब हम कैन यू हेल्प मी जो कह रहे हैं उससे भी अधिक पोलाइट हो जाता है सेंटेंस कुड कह देने से।
तो हम पोलाइट करने के लिए किया है, हमने पास्ट करने के लिए नहीं किया है, लेकिन क्या किया हमने, सामने है उसे बोल रहे हैं कुड यू हेल्प मी, तो ये क्या है, पास्ट टेंस है। यहाँ पे यह हो रहा है पास्ट टेंस में, और यहाँ पे बोध हो रहा है प्रेजेंट टाइम का, प्रेजेंट टाइम का। तो टेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम को हमें निकालना पड़ेगा कि हम किस वक्त के लिए कह रहे हैं। देखिए जरा एक यूनिवर्सल ट्रूथ देखिए, द सन द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। हम पूरा ज्योग्राफी नहीं आ रहे हैं, अर्थ इज स्फेरिकल होता है, जूवॉइड वो सब बात नहीं करते हैं, गोल है आप इतना जानते हैं सामान्य सी भाषा। तो अर्थ इज राउंड, तो ये क्या टाइम है, अभी, अभी गोल है ना, तो ये प्रेजेंट टाइम है। आपको क्या लगता है कि बाद में गोल नहीं रहेगी, बाद में भी गोल रहेगी, तो फ्यूचर टाइम भी है। और आपको यह जरूर लगता है कि पहले भी गोल ही थी, तो पास्ट टाइम है। तो इससे तो तीनों टाइम का बोध होता है। तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो सेंटेंस लिखा, सेंटेंस का पूरा मतलब हमें समझ में आ जाए, इसीलिए पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस। अभी फिलहाल डिफरेंस क्या है, टाइम तीन तरह का, प्रेजेंट, पास, फ्यूचर। ग्रामर के अनुसार इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ग्रामर का कोई रूल नहीं लगता है। टेंस तीन तरह का, प्रेजेंट, पास, फ्यूचर टेंस, ग्रामर से बनता है, ग्रामर का यूज करते हैं, और पूरा का पूरा टेंस का चैप्टर ही है। टाइम से क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन का बोध होता है, कि टाइम का, एक्शन का टाइम एग्जैक्ट क्या है, फ्यूचर टाइम है कि प्रेजेंट टाइम है कि फ्यूचर है कि तीनों है। लेकिन टेंस से क्या पता चलता है, टेंस एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन को कभी कभी नहीं दिखाता है, कभी कभी, ध्यान दीजिए, कभी कभी, समटाइम्स नहीं दिखाता है। जैसे यहाँ पे तीनों एक सेंटेंस लिखा, आपको लग रहा है इट इज गोइंग टू रेन, दिस इज प्रेजेंट टेंस, बट ये दिखा क्या रहा है, फ्यूचर टाइम को, तो नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कहें इट रेन्स, इट रेन्स, बरसात होती है, तो प्रेजेंट टेंस है, और बरसात इस वक्त भी हो रही है तो प्रेजेंट टाइम भी है। इसलिए हमने क्या लिखा, कभी कभी, ऐसा नहीं कि सेंटेंस, टेंस के सारे सेंटेंसेस गलत टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी दूसरा टाइम भी देते हैं, और जिसके उदाहरण आपके समक्ष इधर रखा हुआ है। इसीलिए पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस, और यही है टाइम एंड टेंस, समझ। एक टेंस किस टाइम का है उसका समझ कहलाता है टाइम एंड टेंस। एक कुछ और उदाहरण देखिए, मिस्टर राम रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, मिस्टर राम रिटायर होते हैं नेक्स्ट मंथ। आप ये जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, मतलब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये। लेकिन नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या होता है, अगले महीना, तो ये टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस का। लेकिन टाइम क्या हो गया, फ्यूचर, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं, तो ये फ्यूचर टाइम है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिखा दिया आपको कि टेंस तो प्रेजेंट है लेकिन टाइम फ्यूचर हो रहा है। नाउ ही मे लीव टुमारो, वह कल जा सकता है, तो अभी मे है, ये प्रेजेंट टेंस का है, यूज किया है हमने, तो प्रेजेंट टेंस है। वेयर एज जो टुमारो है, आने वाला कल, अभी तो कल आएगा, तो यह हो गया फ्यूचर टाइम। वुड यू एक्सक्यूज मी, मेरे सामने कोई है, मुझे जाना है, रास्ता बंद किया है अनजाने में उन्होंने, तो मुझे उनसे बोलना पड़ेगा, वुड यू एक्सक्यूज मी, विल यू एक्सक्यूज मी, विल यू एक्सक्यूज मी को मैं अधिक पोलाइट करने के लिए वुड कर दिया, तो यह हो गया पास्ट टेंस। लेकिन हम उसी वक्त उनसे रास्ता छोड़ने के लिए कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम रहेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, यह आप जानते हैं, यह प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, किंतु उगता है, उगता था, उगता रहेगा, तीनों टाइम का बोध रहेगा। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता था, इसकी हिंदी है, मैं आपसे बात करना चाहता था, यहाँ पे पास्ट टेंस है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, वो ऐसे बोल रहे हैं हम,
मैं किसी से बात करना चाहता था, अचानक वो मेरे सामने ही आ गया, तो मेरे मैं क्या बोलूंगा, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, तो सामने ही आ गया है तो बात होगी, तो सामने आ गया है इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में, मतलब हम कब बोलेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, जब जिससे हम बात करने का सोच रहे थे वो हमारे सामने आ जाए, अच्छा है हम उसके सामने चले जाए तभी बोलेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो बोलेंगे तो पास्ट टेंस में, लेकिन टाइम का बोध होगा प्रेजेंट का। तो यही है टाइम एंड टेंस, आशा है आप सबका कंसेप्ट टाइम एंड टेंस पे क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।